कबर को सुमन करना था, कबर को पुख्ता करना, कबर पे चादर चढ़ाना, कबर को फूल चढ़ाना, क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है? नहीं दिया। आप सबसे ज्यादा रशीद है, आप जैसे बोले कि लोगों को सही रास्ता बताए, सही रास्ता वो है जो कुरान मजीद में है, सही रास्ता वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही रास्ता वो है जो अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन चले, सही रास्ते वो है जो उनके बाद इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम दाऊद इमाम बकरी इमाम शाफी इमाम मोहम्मद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन चले हैं, वो सही रास्ते हैं। तो क्या उन लोगों ने कभी किसी कबर पे हिम्मत बनाए या ये कि किसी चादर चढ़ाए या किसी कबर पर फूल चढ़ाए या सब ज़्यादा नशीली किए आप सब ज़्यादा नशीली क्या उन लोगों ने कभी किए? देखिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबर पर सब ज़्यादा नशीली किए, हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे, और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे, किए वो सब ज़्यादा नशीन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास किसी को भेजे जाओ वहाँ जो सब ज़्यादा नशीन करो, या बदर के शहदा है बदर के शहदा के पास किसी को भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ज़्यादा नशीनी करो, तो पता ये चला ये सब ज़्यादा नशीनी का काम ये कबरों में चादर चढ़ाने का काम ये फूल चढ़ाने का काम ये इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम सहब की कोई चीज़ है इसको इस्लाम से जोड़ दिया और जो काम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो उसको ख़त्म करना चाहिए है कि उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे रज़ी बहन सुनने की फले से मिल सकते जुमे सुनने से हटा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमला लैस अलैहि अमरुना फरमाया किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया वो रिजेक्ट, तो हम इस्लाम पे चलना है तो इस्लाम कुरान मजीद है, इस्लाम पे चलना है जो इस्लाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारात और तामीर सामने चले हैं, इस्लाम पे चलना है जिस इस्लाम पर सहाबा ताबीन तबे ताबीन चले हैं, और जो उससे हट के हैं अगर फिक्र रहे हैं उसको ख़त्म करना है उसको कबूल करना है। आप सबसे पहली बात ये मैं बोलूँ मैं सज्जाद नशीन हूँ नहीं बोलूँ ये जुमला है नहीं इस्लाम में, इसी तरह आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है उसी खानदान से है खानदान से है कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वहाँ हो रहा है उसको खत्म करवा है नहीं खत्म करवा वहाँ पे चादर चढ़ाना वहाँ पे फूल चढ़वाना सबको खत्म करवा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले गए बहुत बड़ी याद है आपके लिए आप बहुत बड़े अजर सवाब वाले बन जाएंगे है कि नहीं, इसलिए ये नहीं कीजिए इस्लाम में मस्जिद बनाने की तालीम है दरगाह मजार बनाने की तालीम है मस्जिद इबादत की जगह है दरगाह और मजार इबादत की जगह है, कब्रिस्तान देखिए सिर्फ खबर इसलिए है कि वहाँ जाकर के हम अपने लिए इबरत और नसीहत लेना है और दूसरी बात उनके लिए दुआएं करना है कब्रिस्तान वाले और उनसे जाके हम नहीं मानते उनसे जाकर के अपने लिए कुछ नहीं तलब करना है नहीं हम उनको कहना है कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए नहीं भी नहीं करना देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर आप देख रहे हैं किस तरीके से सीधा है सादा है अल्लाह ने हमें भी एक छोटा सा खाबे में हम बना करके रखा हमने कहते हम से ज्यादा मुश्किल है और इसी तरीके से यहाँ पे ना कोई चादर है ना फूल है दरगाह होने भी चाहिए इस्लाम में इस्लाम में दरगाह नहीं इस्लाम तो कब्रिस्तान है इस्लाम में दरगाह नहीं है कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान वो है जहाँ पे बहुत सारे मैयत को दफन किया जाता है कब्रिस्तान और कब्रिस्तान मुख्तर ही होगी कब्रिस्तान सीधा साधा मिट्टी रहेगी जैसे आप अपनी कब्रिस्तान देखो तो बहुत शोहदा की कब्रिस्तान देखते हैं इस तरफ अजीम है सुनिए अजीम है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है उसको खत्म करना है ना आप मानते हैं खत्म करना चाहिए इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है जो भी वहाँ गलत काम हो रहा है उसको खत्म कर आप खुद ये मत कहें मस्जिद के मौजिन बने दरगाह के खादिम या सज्जादा नशीन ना बने मस्जिद के इमाम बने लेकिन दरगाह के सज्जादा नशीन या खादिम ना बने समझिए ना मस्जिद के आप सफाई सफाई करने वाले खादिम बने लेकिन दरगाह और मजार के ना बने ये सब चीज़ें सही नहीं क्योंकि फिर मरना है मरने के बाद सारे बिहार के